गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चोला एम्पायर। स्टूडेंट्स, आप ये जो मैप देख रहे हैं साउथ इंडिया का, यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है ये चोलास एम्पायर को शो करता है। और जो चोला एम्पायर है उसका जो चीफ लीडर विजयालय है जिन्होंने इस साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्रॉम उरैयर टू तंजावुर, उरैयर से लेके तंजावुर तक, यानी जो चोलाज थे वो उरैयर में तो रहते ही थे, तो वहाँ से तंजावुर तक वो कैसे पहुँचे। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, जो चोलाज ने अपनी की शक्ति का कैसे उदय हुआ। अ माइनर चीफली फैमिली, एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट फैमिली नोन एज द मुटारेयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र था वहाँ पे एक मुटारेयर फैमिली शक्ति में रहती थी। देवर सबोर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कंचीपुरम, वे पल्लव राजा कंचीपुरम के जो पल्लव किंग होते थे उनके अधीन थे, यानी जो मुटारेयर थे वो पल्लव राजाओं के सबोर्डिनेट अधीन काम करते थे। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरैयर, और विजयालय जो कि उरैयर के चोलाज का जो मेन लीडर था, उन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटारेयर इन द मिडल ऑफ द 9th century। उन्होंने 9th century के मध्य में मुटारेयर से वो कावेरी का डेल्टा छीन लिया। ही बिल्ट टावर ऑफ टाउन ऑफ तंजावुर एंड आ टेम्पल फॉर गोडेस निशुंब सुदिनी देयर। विजयालय ने वहाँ पे तंजावुर में एक नया शहर बसाया और गोडेस निशुंब सुदिनी का मंदिर बनवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तंजावुर है टाउन वो किसने एस्टेब्लिश किया, तो हमारा आंसर होगा विजयालय। और ये मंदिर निशुंब सुदिनी गोडेस का जो टेंपल है ये भी किसने बनवाया था, चोला किंग विजयालय। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कंक्वर्ड नेबरिंग रीजन एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। जो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने विजय हासिल की अपने आसपास के क्षेत्रों में और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। द पांड्यन एंड पल्लव टेरिटरीज टू बी साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। जो साउथ में जो पांड्यन थे और पल्लव टेरिटरीज थे उन्होंने उनको अपने उसमें किंगडम में मिला लिया था। राजा राज फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। जो राजा राज फर्स्ट है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चोल रूलर हुए हैं। बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको रीऑर्गेनाइज पुनर्व्यवस्था भी की। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हीज पॉलिसीज। जो राजा के बाद उनका बेटा राजेंद्र फर्स्ट था, जो उन्होंने भी अपने पिता की जो पॉलिसीज थी उनको कायम रखा एंड इवन रेडिड द गंगा वैली। और उन्होंने कब्जा जमा लिया गंगा वैली पर, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे वहाँ तक वो पहुँच गया था। डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन, और इन अभियानों में उसने क्या क्या किस सेना का उपयोग किया, नेवी, नौ सेना का के बल पर वो उन्होंने जो गंगा वैली श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया को जीत लिया था। स्प्लेंडिड टेंपल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। द बिग टेंपल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंड चोलपुरम बिल्ट बाई राजराज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। जो तंजावुर के जो बड़े बड़े मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम
के जो काफी बड़े मंदिर बनवाए गए थे वो किनके द्वारा बनवाए गए थे? राज राजा और राजेंद्र के द्वारा, जो कि वास्तु और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही उत्कृष्ट एग्जाम्पल्स हैं। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्ली उप सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम। और जो मंदिर इन्होंने बनवाए थे वहाँ सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होती थी बल्कि वो केंद्र बन गई थी। सेटलमेंट ऑफ विच ग्रू अराउंड में देम, यानी मंदिरों के इर्द गिर्द काफ़ी जो सेटलमेंट हो गई थी। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे जो कलाकारी का जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन होने लगा था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज बाई अदर्स। और जो मंदिरों में दान दिया जाता था वो, और जो भूमि दान में दी जाती थी वो राजाओं द्वारा और जो दूसरे लोगों द्वारा भी दान दिया जाता था। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और इस भूमि में जो उत्पादन होता था, वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल। और जो भी उत्पादन उस भूमि में होता था वो जो स्पेशलिस्ट वहाँ पे लगे हुए थे, यानी जो कामकाज मंदिर के कामकाज में जो भी लगे हुए थे उनकी मेंटेनिंग में, उनके रख रखाव में लगा दिया जाता था। और जो भी लोग उसके आसपास रहते थे, जैसे कि प्रीस्ट, पुजारी होते हैं, गारलैंड मेकर्स, जो माला बनाने वाले कुक्स, जो खाना पकाने का काम करते हैं, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एक्सेट्रा, यानी ये सब जो मंदिर के अराउंड रहते थे, तो इन सब के रख रखाव में जो प्रोडक्शन था वो उसका यूज किया जाता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा पाठ का ही साधन नहीं थे। देवर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। हब मीन्स सेंटर, वो इन सब कलाओं के भी केंद्र बन गए थे, जैसे कि इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल, ये सब भी वहाँ पे होता था। अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। यानी जो टेम्पल्स तो हैं चोला एम्पायर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो टेम्पल्स हैं, लेकिन जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, जो कांसे की जो मूर्तियां हैं, वो भी बहुत ही डिस्टिंक्टिव का मतलब बहुत ही अनोखी हुआ करती थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट होती थी, सबसे ज़्यादा अनोखी और सबसे सुंदर होती थी। वाइल मोस्ट इमेजेज वर ऑफ डिटीज, और जो ये मूर्तियाँ होती थी ये ज़्यादातर देवी देवताओं की होती थी। डिटीज मीन्स होता है देवी देवता। समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल, और जो डिवोटीज का मतलब है जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जो चोला एम्पायर में एग्रीकल्चर और इरिगेशन कैसे होता था। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलाज एम्पायर ने जो इतनी प्रोग्रेस की है उसका रीजन क्या था? डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि का विकास हो चुका था क्योंकि उस टाइम। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचिज ऑफ इन टू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इन टू द बे ऑफ बेंगोल। जो रिवर कावेरी है उसकी जो काफ़ी ब्रांचेज, उसकी जो शाखाएं निकली हुई थी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती थी। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, ये जो चैनल्स थे जो कावेरी रिवर के, ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से बहते थे। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सोयल ऑन देयर बैंक्स, और किनारे पर उपजाऊ मिट्टी को डिपॉजिट करते जाते थे। वाटर फ्लो द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। और जब पानी जिस भी स्थान से जाएगा तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी में मॉइस्चर को छोड़ देता है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो मॉइस्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, और विशेष रूप से चावल की खेती के लिए। तो जो राइस की जो कल्टिवेशन थी वो किनके समय में की जाती थी? चोल एम्पायर के समय।
although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, और जो ये खेती बाड़ी जो शुरू हुई थी ये सिर्फ चोल्स के समय ही नहीं हुई थी बल्कि तमिलनाडु में ये पहले से ही कृषि का विकास हो चुका था. इट वॉज ओनली फ्रॉम द फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन्ड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन. और फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी में ही जो बड़े स्तर पर कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कुछ क्षेत्र में जो फॉरेस्ट जंगल को साफ किया गया और जो भूमि है उसको लेवल यानी समान बराबर किया गया. और डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स होते हैं बांध, जो डेल्टा रीजन थे वहाँ पे बांध बनाए गए नदियों पर ताकि जो फ्लडिंग है उसको रोक सके. और जो कैनल्स बनाए गए ये भी जो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए. कैरी वाटर टू द फील्ड्स, और ये मेन जो लक्ष्य क्या था, कैनल बनाने का ताकि खेतों तक पानी जाया जा सके. इन मैनी एरियाज, कुछ क्षेत्रों में टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में दो फसलें भी होती थी. इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. और कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जहाँ पे जो बारिश वगैरह नहीं होती थी, ऐसे एरियाज में जो आर्टिफिशियली इरीगेशन की जाती थी, जैसे कि अ वेराइटी ऑफ मैथड. और इसके लिए इरीगेशन के लिए काफ़ी तरीके ढूंढ लिए गए, जैसे कि वेल, कुएँ खोदे गए और ह्यूज टैंक, बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए. रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग. और जो इरीगेशन एज इस तरह के, जैसे कुआँ खोदना और कैनल बनाना, तो इनके लिए जो काफ़ी सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए लेबर की भी हमें ज़रूरत होती है. मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, ताकि इस तरह से व्यवस्था की जाए कि जो एरियाज हैं वहाँ तक पानी पहुँचाया जा सके. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़. और काफ़ी राजाओं ने और कुछ जो साधारण लोग थे, जो प्रजा थी, उन्होंने भी, गांव के लोगों ने भी इस कार्य को एक्टिवली पूरे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया. तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स. आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए और चोला एम्पायर के बारे में आप जान सकेंगे.